हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं क्लास सेवन के व्याकरण में सेकंड चैप्टर की तरफ। तो ये व्याकरण के सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा दिया, अब एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिखित प्रश्न अभ्यास प्रश्न में देखेंगे आप कि लिखित प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन है जिसमें वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में कितने स्वर हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, हस्व और दीर्घ स्वर में अंतर बताइए, विसर्ग किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप क्लास थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपने व्याकरण कॉपी में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पुरानी बुक से, क्लास 6 की बुक से इन क्वेश्चन के आंसर को व्याकरण में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको करेंगे अपने आप। अब है द, ब है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के ध्वनि समूह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब है हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। आ की ध्वनि है, अंग की ध्वनि होती है अनुस्वार। ज्ञा संयुक्त वर्ण में मिले हैं ज और अ। रवाना में ध्वनिया है 5। अब है स, सही कथन के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वर्ण ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये गलत है। उच्चारण में प्राण वायु की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं। प्राण वायु की दृष्टि से 2 भेद नहीं, 3 है, गलत है। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं, तो आप बताइए कितने होते हैं दीर्घ स्वर, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आपको बताना है कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप ही बताएंगे। वैसे तो मैं बता दूं कि 7 होते हैं। छात्र या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो संयुक्त कहलाते हैं, ये ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, तो 2 प्रकार के हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं, केवल मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं, मुखर कहलाते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते कहलाते हैं। हिंदी में कुल वर्ण है, जितने वर्ण होंगे, या आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, आप वर्णमाला से देखिए और लिखिए वर्ण कितने हैं, आप जानते होंगे। एक से अधिक व्यंजन के मेल से कौन से व्यंजन बनते हैं, द्वित व्यंजन बनते हैं, तो आपको इस प्रकार से ये लिखना है। या एक से अधिक व्यंजन के मेल से द्वित व्यंजन भी बनते हैं, तो आपको यहाँ पर ये पता चला। अब यह है निम्नलिखित व्यंजन के स्पर्श से अंत तथा ऊष्म व्यंजन अलग कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप क्लास 6 की बुक देखिएगा, वहां से देख करके इनको अलग कीजिएगा अपने से। निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए, तो ये भी आपको अपने से देखना है और करना है। क्लास 6 की बुक से देखिएगा, आपको मिल जाएगा उच्चारण स्थान। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर लिखिए, वर्णों को जोड़कर लिखना है। क री श अ क अ, तो क्या बन जाएगा, कृषक बन जाएगा। इस तरह से आप और को देखिए कि क्या बनता है। निम्नलिखित अब है व, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी, वर्तनी अर्थात वर्ण अलग कीजिए। इसमें से वर्ण अलग करना है, जैसे संधि हम करते हैं, जैसे ल अ छ अ म अ ल अ, इस तरह से आपको अलग करना है। अब अंतर बताइए स्वर तथा व्यंजन में, अनुस्वार तथा अनुनासिक में, हस्व तथा दीर्घ में। तो ये सारे क्वेश्चन जो य से लेकर के या र ल व श, ये सारे क्वेश्चन आपको व्याकरण की कॉपी में करने हैं। तो आपको ये क्लास 6 की बुक को हेल्पिंग बुक बनाना है और उसी से करना है, ये आपको सब मिल जाएंगे। और गतिविधि आधारित प्रश्न जो दिया हुआ है, ये आपको कंठ स्थान, ये भी क्लास 6 के से आपको करना पड़ेगा। गतिविधि आधारित क्लास 6 की बुक आप सामने रखेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है, इसलिए कि क्लास 6, 7, 8 के ये 2 चैप्टर सेम है, तो 2 चैप्टर के क्वेश्चन भी इधर उधर करके सेम है, सारा सिलेबस ये सेम है, तो आपको क्लास 6 से कर लेना होगा। अब सेकंड है हिंदी भाषा में अनुसार अनुनासिक व्यंजन जिसे अंग से लिखा जाता है, ये यहाँ पर आपको उत्तर दे दिया गया, उत्तर से इसको फिल कर देना है। तो ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज इस तरह से पूरी होगी। धन्यवाद।